हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को आपके कंप्यूटर में रैम को जो लगाते कैसे हैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यह है हमारा रैम, मैं इसको अपने इसमें डेस्कटॉप में लगा करके दिखाऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले रैम का जो है इसका एक क्या होता, महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डेस्कटॉप में, इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये है हमारा डेस्कटॉप पीसी जो अभी ऑफ है। इसमें ऑलरेडी 2 GB का रैम है और मैंने अभी हाल में ही इसमें एक विंडोज़ का नया वर्जन इसमें इंस्टॉल किया है, जिससे ये उतना स्पीड में मेरा कंप्यूटर नहीं इसमें रन कर पा रहा है। इसके लिए मैंने इसमें सोचा है कि मैं इसमें 2 GB से बढ़ा करके 4 GB का रैम मैं इसमें कर दूँ। तो इसका इम्पोर्टेंस को पहले समझना ज़रूरी है कि इसे रैम का ज़रूरत क्यों हमें पड़ता है। देखिए, जैसे मैंने कंप्यूटर ऑन किया, ये ऑन हो गया कंप्यूटर, देखिए ऑन तो हो गया, लेकिन अभी इसको अपने एक्चुअल फॉर्मेट में आने में जो है लेट बहुत लगेगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इसका जो विंडोज़ का या फिर आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी सॉफ्टवेयर है वो पहले हार्ड डिस्क में होता है, वो हार्ड डिस्क से फिर ये जो सॉफ्टवेयर है ये जाता है रैम पर। देखिए, अभी ये इस लेवल पे आ गया। अब ये मेरा कंप्यूटर है कि बिना पासवर्ड नहीं खुलेगा। इसको देखिए, पासवर्ड मैं यहाँ डाल रहा हूँ। देखिए, मैंने पासवर्ड भी डाल दिया, मैंने पासवर्ड डाला। अब ये देखना है कितने देरी में मेरा कंप्यूटर ऑन होता है इस तरह मिनिमम रैम में, जबकि 2 GB का रैम पहले से इसमें है। देखिए, 2 GB का रैम में ऑन होने में हमको लग रहा है लगभग 1 या 2 मिनट लग ही गया। अब इसके बावजूद भी 2 GB का रैम भी अपने आप में ज़्यादा ही होता है, लेकिन आप बस इसको ऐसे करके मान सकते हैं कि आपके पास एक जो है गाड़ी है, गाड़ी में आप अकेले बैठे हुए हैं, गाड़ी ज़्यादा हैवी नहीं है, आप गाड़ी में 2 आदमी और बैठा लिए तो वो आपका अपना अकेले का जो स्पीड होगा वो आपका गाड़ी जो है ले नहीं पाएगा। आप अकेले और 2 आदमी और बैठा लिए, दोनों में अंतर आएगा। अब देखिए, अंतर आता कहाँ है। देखिए, अभी भी इसका हार्ड डिस्क में काम चल रहा है। देखिए, ऊपर का ये जो बटन होता है ये हार्ड डिस्क में अभी कुछ ऑपरेटिंग यहाँ पर हो रहा है, यानी कि अभी भी ये पूरी तरह से लोड नहीं है। हमारे स्क्रीन में तो दिख रहा है लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से लोड नहीं है। अभी भी मैं अगर चाहूँगा कि एक बार विंडोज ओपन हो जाए, खुल जाए, कोई सिस्टम देखे, मैंने यहाँ क्लिक किया, कितने देरी के बाद ही आया यहाँ आया। इसके बाद मैं क्या और भी इसके बाद कोई मैं अगला प्रोग्राम ऑन करूँगा तो आने में इसमें जो है कि लेट लगता है। देखिए, अभी तक ये लोड नहीं हुआ है पूरी तरह से। ये मेरा जो है अपना ये लाइट होता है डेस्कटॉप का, कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा ये मतलब हमारा पीसी अभी ऑन है, और ये बताता है कि अभी हार्ड डिस्क में कुछ वर्क इसमें चल रहा है। हार्ड डिस्क से ये रैम में जा रहा है इसका डाटा, जब तक पूरी तरह से चला नहीं जाएगा तब तक हम उसमें काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, अभी तक जर रहा है, हालांकि 2 GB का रैम ऑलरेडी है इसमें, इसके बावजूद भी देखिए कितना लेट ये कर रहा है। अभी भी हम चाहेंगे कि इसे हो जाए जल्दी से काम, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले मैंने स्टार्ट मेनू में क्लिक किया था, इसे हो सकता पहले आ जाए। देखिए, जैसे कि आ गया पहले इसका मेनू। अब इसके बाद जैसे कुछ और जैसे ऑन करना, प्रोग्राम ऑन करना, जैसे मैंने गूगल क्रोम ऑन करके देख रहा हूँ। देखिए, गूगल क्रोम का यहाँ आइकन है, मैंने इसको ऑन किया, लेकिन अब देखिए कितना लेट करेगा। देखिए, जब कोई भी प्रोग्राम ऑन होता है तो इस तरह गोल गोल सा ऐसा घूमता रहता है। देखिए, अभी भी नहीं ऑन कर पाया। देखिए, अभी भी यहाँ पर काम अभी भी यहाँ चल ही रहा है। अगर ये विंडोज़ का ओल्ड वर्जन रहा होता, विंडोज 7 रहा होता, तो अभी तक आकर के ऑन हो जाता। देखिए, यहाँ इतने देरी के बाद आकर के यहाँ पर लोड ये हुआ है, यहाँ पर गूगल क्रोम। अब जैसे एक प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया कि गाड़ी में आप अकेले बैठे हैं, मैंने गाड़ी में एक आदमी और बैठा दिया, मैंने गूगल क्रोम को बैठा दिया। अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि एक और प्रोग्राम ऑन कर दूँ, यानी एक आदमी और बैठा दूँ। हमारा गाड़ी का उतना ज़्यादा अभी नहीं है, मतलब रैम ज़्यादा नहीं है, जिसके चलते देखिएगा कि आपको
इसमें जो है परेशानी, जैसे मैंने कि देखे फोटोशॉप भी ऑन कर दिया, यानी कि एक लोड और दे दिया, पहले से तो लोड था एक लोड और दे दिया, तो देखिए कि ये और भी ज़्यादा धीमा हो जाएगा। वो जो अकेला कोई अगर कोई इसमें प्रोग्राम जो इसमें रन करता तो वैसे ना रन करके बहुत लेट से ये ओपन होगा। देखिए अब इसको भी ओपन करने में ये जो है बहुत लेट लगा देगा। इसको मिनिमाइज करके रख देता हूँ, देखिए मिनिमाइज भी नहीं होने को जगह, देखिए इसको ऊपर का गोल चक्की जो है यहाँ घूम रहा है, इसको मिनिमाइज भी अभी मैं नहीं कर पाऊँ, चाह के भी नहीं कर पाऊँगा। बस रीज़न यही है कि इसका रैम जिसका नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी वो उतना ज़्यादा नहीं है, जिसके चलते स्पीड में बहुत का अंतर आ गया, बहुत वेट करना पड़ जाता है कोई काम करने के लिए। और ऐसा अनुभव आपको भी हो रहा होगा और होता ही है सबको अगर मिनिमम रैम में काम कर रहे हैं तो। देखिए अभी भी मिनिमाइज़ किया तब भी नहीं हो पाया, लेकिन यही जिसमें रैम मैं इसमें ज़्यादा कर लगा दूंगा तो स्पीड इसमें ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। देखिए अभी तक यहाँ काम कर रहा है, और ये काम अभी क्या कर रहा है, ये अभी काम कर रहा है कि मैंने अभी जो फ़ोटोशॉप ऑन किया, फ़ोटोशॉप को यह हार्ड डिस्क में से ले करके अभी उसका रैम में लेके जा रहा है। जब तक पूरी तरह से जाएगा नहीं ये, ना तो ऑन होगा ना ऑफ होगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं इसमें। देखिए आप जा करके ये गया, ठीक है, तो ये तो आपको अनुभव अब हो ही गया कि अंतर आता कहाँ है। एक्चुअली हमें क्या है कि रैम अगर मिनिमम रहे तो हमें क्या होता है, झेलना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि रैम आखिर होता कहाँ पर है। रैम रैम तो इसके अंदर में है, इसके अंदर होता है सीपीयू के अंदर में, लेकिन ये जानना है कि कितने का रैम है हमारे ये हमारे डेस्कटॉप में। इसको जानने के लिए हम सबसे पहले माई पीसी में जाते हैं, विंडोज़ का लेटेस्ट वर्सन मैंने इसमें लोड किया है, इसमें यहाँ पर विंडोज 10 है ये, जो कि अभी नहीं इसमें सपोर्ट कर पा रहा है सही से। देखिए मैं इसमें गया माई पीसी में, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, देखिए ये होता है लेफ्ट बटन राइट बटन, मैंने ये होता है राइट क्लिक, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक भी किया फिर भी ऑप्शन अभी तक नहीं आया। देखिए अब इसके अंदर एक ऑप्शन ये आता है प्रॉपर्टीज, देखिए ये है यहाँ पर, यह है प्रॉपर्टीज, आप यहाँ प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज में जाएंगे यहाँ क्लिक कीजिए तो ये पूरा बताएगा कि हमारे इसमें हमारे कंप्यूटर में कितने का रैम लगा है, कितने का हार्ड डिस्क है, कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, कौन सा प्रोसेसर है, यहाँ बताएगा। देखिए अब ये बता रहा है हमारे में 2 GB का रैम, देखिए इंस्टॉल्ड मेमोरी, देखिए यहाँ पर इंस्टॉल्ड मेमोरी 2 GB, यहाँ पर 2 GB शो कर रहा है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 2 GB रैम मेरे में है। इसको हमें बढ़ाना है, इसको बढ़ाने है कैसे, इसको मैं अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको सबसे पहले आप इसको ये जो विंडो खुला है इसको आप पहले बंद कीजिए, आपको ऑन रहते में कोई काम नहीं करना है कंप्यूटर में, स्टार्ट मेन्यू में जाइए और इसको ऑफ कर दीजिए, इसको पूरी तरह से शट डाउन कर दीजिए। ये जब हो जाए शट डाउन उसके बाद ही अब हम इसमें इसके अंदर कुछ भी खोल खाल करेंगे, इसको होने दीजिए शट डाउन पहले। अब इसके बाद देखिए कि इसके यहाँ दोनों लाइट ऑफ हो गया है, इसका मतलब मेरा कंप्यूटर अभी ऑफ है। तो आप भले ही कंप्यूटर ऑफ है लेकिन मेन लाइन सभी इसमें जा रहा है, जिसके चलते आप मेन जो लाइन जहाँ से जा रहा है उसको भी बंद कर दीजिए। इसके बाद ये जो आपका डेस्कटॉप पीसी है इसके पीछे में आप जाइए, पीछे में बहुत सारे वायर्स आपको दिखेंगे, देखिए देखिए अब आप जब डेस्कटॉप के पीछे जब आप जाएंगे तो देखिए कितने सारे वायर्स आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ये जो मेन केबल जो होता है पावर केबल, ये ऊपर मोटा वाला ये जो होता है पावर केबल, इसको आप खोल दीजिए, इसको रनिंग में रहते हुए कोई काम आपको नहीं करना है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि रनिंग में ही करते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा आप इसको पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कीजिए। ये होता है मॉनिटर का केबल, इसको भी, ये तो मेरे में बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है, मैं आगे भी मैं हर किसी को एडवाइस देता हूँ कि लूज कनेक्शन आपको नहीं रखना है। लूज कनेक्शन रखिएगा तो इसमें आप ही को नुकसान होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका मदरबोर्ड भी जा सकता है, हार्ड डिस्क भी जा सकता है और आगे का कोई भी हार्डवेयर भी आपको उसमें डैमेज कर सकता है, इसलिए लूज कनेक्शन आपको नहीं रखना है। इसको अलग किए, अब जितने भी इसमें यूएसबी केबल से, देखिए
यूएसबी केबल से उसको भी आप निकाल दीजिए, सबको एक एक करके निकालिए। ये स्पीकर का केबल है, स्पीकर का केबल, इसको भी निकालिए। इसको निकाल देने के बाद आपका कंप्यूटर पूरी तरह से रिलीज हो गया, आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए आप जब ये पूरी तरह से खुल चुका है तो आपको कोई स्क्रू ड्राइवर या किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये बस एक इसको आप हाथ से ही घुमा सकते हैं। बहुत में स्क्रूज भी होते हैं तो जिसके लिए स्क्रू ड्राइवर का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आजकल का जो आता है कंप्यूटर वो हैंड से ही खुल जाता है। अब इसको खोल लीजिए। इसके बाद इसका जो है ढक्कन, ये जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से हल्का सा प्रेशर दीजिए, देखिए ये खुल के बाहर आ गया। या आया, अब ऐसे में कोई काम नहीं करना है, आप इसको इस तरह सुला लीजिए। अब इसके बाद देखना है कि रैम कहाँ पर है। देखिए रैम तो DDR2, DDR1, अलग अलग तरह के रैम आते हैं, DDR3, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं हर एक का लगने का जगह एक ही होता है, पोजीशन एक ही होता है। देखिए जैसे एक मेरा 2 GB का रैम ये यहाँ पर लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पर एक रैम लगा, लंबा सा एक होता है, इसी को रैम कहते हैं। और इसमें 2 यहाँ पर ये लगे हुए हैं, हुक जैसा लगे हुए हैं, क्लिप। इसको खोलने के लिए भी कोई स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोनों साइड से इसको पकड़िए और यहाँ पर हल्का सा पुश कीजिए, जैसे ही पुश की ये बाहर निकल आएगा। ये था मेरा रैम जो कि पहले का लगा हुआ है, इसको निकालने की ज़रूरत तो फ़िलहाल नहीं है, आप इसको लगा दीजिए। देखिए लगाने का नियम क्या है कि आप देखेंगे कि एक साइड का एरिया जो होता है ज़्यादा होता है और एक साइड का कम होता है। आप इसको सोचेंगे कि उल्टा लगा दें तो उल्टा कभी नहीं लगेगा, इसको सीधा ऐसे ये जाएगा। यहाँ पर भी ये जहाँ लगाते हैं इसका इस तरह का स्लॉट होता है, यहाँ पर ये जो बीच वाला जो होल है ये जाके सेट ये करेगा। देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, इसको बीचों बीच में रखें और इसको दोनों साइड रख करके हल्का सा बस इसको पुश करना है। देखिए जैसे ही पुश करेंगे ये लॉक यहाँ लग गया, दोनों साइड से ये लॉक ऑटोमेटिक ये लग गया। ये तो खैर ये था पहले से, अब अगर नया के लिए देखिए इसमें 2 यहाँ स्लॉट दिए रहते हैं, एक ये स्लॉट है एक ये है। अगर आपको 2 GB का ही लगाना है या फिर एक ही रैम लगाना है 4 GB का, तो आप एक में ही लगा दीजिए। आप एक में आप इसमें लगाइए चाहे उसमें लगाइए, एक ही बात है। जिस तरह USB होता है किसी भी USB में आप डाल दीजिए तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से फंक्शन करता है, उसी तरह आप इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन 2 लगाना है तो दोनों ही आपको इंगेज करना पड़ेगा, दोनों इसमें इंगेज होगा स्लॉट्स। वायर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि इसमें वीडियोज भी लेने में प्रॉब्लम खड़ा करता है। देखिए यहाँ 2 स्लॉट हैं, एक ये है एक ये है। देखिए ये मेरा जो है 2 GB का रैम है जो मैं अभी मार्केट से लेके आया हूँ, आप इसे ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें क्या होता है प्राइसेस जो लिखे रहते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे आप ये देखिए 999 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली इतना पड़ता नहीं है। इसका दाम लगभग जो भी दाम होता है इसका आधा हो जाता है, इसीलिए अगर आप दुकान से ख़रीदते हैं तो अगर वो कहता है कि 999 देंगे तो आप उसके बात को ना माने, आप ये जानिए कि ये सब का प्राइस बहुत ज़्यादा लिखा रहता है लेकिन इतना होता नहीं है। और ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन में अगर लेते हैं तो ये रसीद मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये आपका वारंटी में आता है, जो मेरा देखिए इसमें 5 ईयर्स का वारंटी है, 5 ईयर्स का वारंटी। अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो 5 ईयर्स के बाद ऑनलाइन वाला भी आपको इस बात को मानेगा नहीं और आपके पास रसीद को भी नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप किसी दुकान से अगर आप इसको लिए हुए हैं तो उसको मानना पड़ेगा, इसीलिए आप रसीद को आप ले लीजिए और आप उसको जब बचा के रखिए 5 साल तक, ताकि आप ये बात आप उनको जब बोल सके कि आप ही के यहाँ का सामान है। और लोग क्या करते हैं बहुत सब कि अंदर में ही लिख देते हैं, अंदर में ही मार्कर से लिख देते हैं, तो खैर वो उनका एक अपना पहचान होता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप इसके रसीद को बचा के रखें। इसको खोलते कैसे, देखिए खोलने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे डॉटेड डॉटेड है, आप इसको सीधा फाड़ के खोल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि सीधा आप ना फाड़े, आप हल्का सा या ऐसा
अंदर कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है। इस तरह फाड़िए कि अंदर का जो इसका जो सर्किट है उसमें किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, बस इसको कॉर्नर में, और बहुत ज़्यादा नहीं फाड़ना, बस हल्का सा। अब हल्का सा प्रेशर डालें, देखिए कि ये निकल गया। अब आप इसको बाहर निकाल लीजिए इस तरह, आराम से, सेफली एकदम, ये निकल के आ गया। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो होता है ये एक साइड का एरिया आप जो देखेंगे ये थोड़ा ज़्यादा होता है, एक साइड का होता है कम। आप इसको उल्टा कभी लगा ही नहीं सकते हैं, और ये बीच में जाके फिक्स होता है स्लॉट में। ये रैम जो है आप देखेंगे एक साइड का पिन के जो होता है ज़्यादा होता है, एक साइड ये होता है कुछ कम, और बीच में होल रहता है जो जाके फिक्स होता है, इसलिए उल्टा आप इसे नहीं लगा सकते हैं। ये आपका जब भी लगेगा तो सीधा ही लगेगा। अब मैं इसको आपको अपने डेस्कटॉप पीसी में लगा करके दिखाता हूँ। अब इसको देखिए लगाते हैं इसके अंदर में, सेम उसी तरह दूसरे वाले स्लॉट में ये लगेगा। पहले ये दो कॉर्नर जो है इसको साइड कर लीजिए, इसके बाद इसको ऐसा लगाइए कि उसके उसके बीच में जाकर फिक्स ये हो जाए ऐसे। अब हल्का सा पुश कीजिए दोनों साइड में, देखिए लॉक हो, ये हो गया। आप एक बार फिर से देख लीजिए दोनों को चेक करके कि लॉक, देखिए पहले एक था, अब यहाँ ये दो हो गया, देखिए दो हैं, एक दो। अब इसके बाद इसका ढक्कन को लगा देना है। देखिए मैंने बीच में कहीं भी कोई स्क्रू ड्राइवर या किसी चीज़ का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इसको सीधा सा रख के पुश कीजिए, इसको लगा दीजिए। अगर आप इसको किसी इंजीनियर के पास लेके जाते हैं तो आराम से इतने ही से काम को आपको 500 रुपीज़ चार्ज कर देगा, जबकि 500 रुपये आपका रैम का ही दाम है, जिसे आप इजीली अपने से भी कर सकते हैं। ये हो गया, बस ये फिक्स हो गया। अब इसके बाद जहाँ जहाँ से जो जो मैंने वायर निकाला था सेम उसी जगह पर सेट कर दीजिए। ये जो मॉनिटर का केबल भी जो होता है उल्टा नहीं लगता, आजकल तो HDMI आता है उसको भी आप उल्टा नहीं लगा सकते, लेकिन होता क्या पुराने कंप्यूटर में भी आज तक भी भीजिए ही आता है। अब जहाँ जो USB पोर्ट जो लगा हुआ था आप उसको लगा दीजिए। अब ये इसमें इंस्टॉल हो गया है। अब इसको देखिए रन एक बार फिर से इसको ऑन करके देखते हैं हम। देखिए मैंने ऑन किया, यहाँ पर दोनों लाइट जल गया पहले की तरह। अभी देखना है कितने देरी में मेरा कंप्यूटर ऑन होता है, पहले और अब में क्या अंतर आया। यहाँ तक तो सब बराबर ही रहता है, इसमें क्या होता है बायस सेटअप में सबसे पहले घुसता है। ये क्या होता है बायस सेटअप, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। देखिए विंडोज़ का ये लोगो आ गया। अभी देखना है कितने जल्दी ये ऑन हो पाता है। अभी भी हार्ड डिस्क में काम चल रहा है, ऊपर का रेड लाइट जल रहा है, इसका मतलब ये हार्ड डिस्क में काम चल रहा है। देखिए अब ये ऑन हो गया, उतना लेट भी नहीं लगा, बहुत आसानी से ये ऑन हो गया, बहुत जल्दी। अब देखते हैं कि अब ये क्या कहता है, इसके अंदर है कि भी या नहीं, फिर उसी तरह इसका प्रॉपर्टीज़ में जाइए। देखिए प्रॉपर्टीज़ में गए, अब प्रॉपर्टीज़ देखिए, पहले तो आने में लेट लगा था, अब देखिए कितना जल्दी आ गया। और ये यहाँ पर देखिए लिख भी रहा है 4GB, पहले ये बस यहाँ पर लिख रहा था यहाँ पर 2GB, इसके बाद कोई यूजेबल स्पेस भी नहीं लिख रहा था। यहाँ देखिए 4GB के बाद लिख रहा है 2.93GB यूजेबल, यानी 2GB विंडोज अपने में ले लिया है और 2GB से भी ज़्यादा यूज के लिए रख लिया है कि हम इसके बाद भी और कुछ यूज करें, पहले उसको 2 GB में काम करना था। तो अब ये इंस्टॉल हो गया है, अब हमारा कंप्यूटर पहले से भी ज़्यादा फास्ट काम करेगा। जैसे गाड़ी होता है इसमें लोड हम डाल दिया, हम ज़्यादा भी लोड डाल देंगे फिर भी मेरा गाड़ी बहुत आसानी से खींच लेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।